अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो ये बात आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी है और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इंडिया में क्या हो रहा है कि पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए कंपनी जो है, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेकर आ रही है। अब बहुत सारे कंपनी इनमें से ऐसे है कि वो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करने से पहले अच्छी तरीके से टेस्टिंग नहीं कर रही है, जो स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन नहीं कर रही है, उनको मीट नहीं कर पा रही है, ना ही अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे अपना स्कूटर्स को टेस्ट कर रहे हैं, बस स्कूटर बना रहा है और मार्केट में जो है सेल करने के लिए भेज दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने आप को मेक इन इंडिया कंपनी प्रमोट कर रही है। इन कंपनीज का कहना यह है कि वो लोग जो है स्कूटर को इंडिया में बना रहा है, वो इंडियन कंपनी है, लेकिन इस चक्कर में क्या हो जा रहा है कि प्राइस को भी उनको कम रखना पड़ता है, और इसलिए क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हमें देखने को मिल रहा है, उनका क्वालिटी जो अच्छा नहीं निकल के आ रही है। अब ज़्यादातर कंपनी 90% कंपनीज जो है जो बैटरी यूज़ कर रही है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में, वो बैटरी जो है बिल्कुल भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो जनरली चाइना या फिर साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज से उन बैटरीज को इंपोर्ट किया जा रहा है, उन बैटरीज को लाया जा रहा है, और यहाँ पे जो है स्कूटर को असेंबल करते समय उन बैटरीज को जस्ट लगा दिया जा रहा है। अब एक तरफ क्या हो रहा है कि गर्मी के वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पे अलग अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उनमें से आग लगने का जो न्यूज़ है वो सामने निकल के आ रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो अभी तक जो है हम लोग जो भी स्कूटर या बाइक चलाते थे उनमें जो है इंटरनल कंबशन इंजन रहता था। अब पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर यानी जो इंटरनल कंबशन इंजन वाले जो स्कूटर है उनको कैसे मेंटेन करना है, ये चीज़ हम में से बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कब इंजन ऑयल को चेंज करना चाहिए और बाकी सारे पार्ट्स को कब तक जो है चेंज करना चाहिए ताकि स्कूटर जो है एक हेल्दी कंडीशन पे रहे। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कुछ इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि ये स्कूटर्स मेंटेनेंस फ्री होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपनीज का ये कहना है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पार्ट्स को नहीं बदलना है, इंजन ऑयल को नहीं बदलना है, क्योंकि इंजन नहीं होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो इससे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, ऐसे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाले कंपनीज का कहना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो मेंटेनेंस फ्री तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ ऐसा भी नहीं है कि बस आप उसको चार्ज करो चलाओ डिस्चार्ज हो गया फिर से आपने चार्ज किया फिर से आप चला रहे हो, तो इस पैटर्न से जो है ये चीज़ काम नहीं करता है। इस पैटर्न के वजह से भी बहुत सारे आग लगने का खतरा जो है बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन है, मेंटेनेंस प्रिकॉशन नहीं है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, जिन बातों का आपको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है लंबे समय तक आपका साथ निभाए। टोटल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप ज़रूर से उस वीडियो को चेकआउट करें। उस वीडियो से आप समझ पाओगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्मी के दिनों में इस तरह का प्रॉब्लम सामने नहीं आए। और आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना सही रहेगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।